अस्सलाम वालेकुम, आज ज़हरा अकादमी की सालगिरह है, 15वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस आने के बाद पहली खुशी है मेहदी अकादमी साहब के घर। तो मेहदी साहब आपको माशाल्लाह खुश भी नज़र आ रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा और आपको सबका शुक्रिया अदा करूँगा और तमाम लोगों का जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की हैं उन सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप सबकी दुआओं की वजह से मेरी फैमिली में जो खुशियां हैं वो वापस आई हैं और अल्लाह से दुआ है कि ये खुशियां बरकरार रहें। बिल्कुल मेहदी साहब ने, और वैसे चूँकि पूरा ख़ानदान जो है तमाम उन लोगों का जो सोशल मीडिया पे एक समझे कि मेहदी अकादमी साहब का जबान भी बने हुए थे, उनके हाथ भी बने हुए थे, उनके बाजू भी बने हुए थे, उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं, ख़ासतौर पर जो कराची में मौजूद है उनका, और उसके बाद तक जो कराची में नहीं है, बहुत सारे लोग यहाँ नहीं हैं तो उनका नाम लेके ख़ासतौर पर महरिंग चप्तान का नाम बिल्कुल काबिल ज़िक्र है। उसके बाद फिर कैसल मीर साहब हैं जो मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं, शायद सकलैन साहब हैं, फयाज महमूद साहब, और उसके अलावा मारिया अली साहिबा हैं, शराब बरकत, खासतौर पर वकार बग्गा साहब हैं इस्लामाबाद से। और शराब बरकत से वैसे शिकायत है मुझे, वो हमेशा टोपी करा देते हैं कि जब इस्लामाबाद में होते हैं तो बोलते हैं पिशावर में होते हैं तो फिर बोलते हैं शराब इस्लामाबाद में हूँ, तो अक्सर टोपी कराते रहते हैं। शराब बरकत साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, और उसके बाद फिर बग्गा साहब का खासतौर पर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट किया था। बाबर सलीम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, बाबर सलीम का तो जितना भी शुक्रिया अदा करूँगा थे कम अल्फाज नहीं मेरे पास। और उसके बाद फिर बुशरा का खासतौर पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और उसके बाद फिर हारिस भट्टी और फरहान का जो कि लाहौर से ख़ासतौर पर इस केस को रिपोर्ट करते रहे, आरपी प्रोटेक्शन वाले ख़ासतौर पर जो यहाँ पे आए भी और उसके बाद फिर वहाँ पर भी मुसलसल इस केस को रिपोर्ट करते रहे, अहमद शेर जट साहब अपना काम छोड़ के हमारे साथ सपोर्ट करने रहे, ख़ासतौर पर लीगली भी सपोर्ट करते रहे और उसके बाद फिर सोशल मीडिया पर भी कमांड बनकर सपोर्ट करते रहे। और जीन कुरैशी साहब तो उनका तो कोई जवाब ही नहीं है, माशाल्लाह उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। तो इस तरह डॉक्टर शिजात अली साहब का भी शुक्रिया, और ऐसे लोग हैं जिनके हम नाम नहीं जानते लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, पूरे पाकिस्तान से बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानी भी हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इस मामले को सपोर्ट किया और अपनी आवाज़ बुलंद की, और उन सबसे बढ़कर उन लोगों का शुक्रिया जो खामोशी से इस मामले को देखते रहे, अपने इस एहतजाज में शरीक रहे, दुनिया के तमाम ममालिक से शरीक रहे। अक्सर हम जब इसमें देखते हैं सूरत हाल अपने यूट्यूब कम्यूनिटी में, तो वहाँ पर दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो, कई ऐसे मुल्क हैं जिनका मुझे नाम भी नहीं आता, वहाँ से भी लोग देखते थे इस केस को, तो कमेंट्स भी करते थे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एहतजाज में अगर आप सब शरीक ना होते तो शायद ये खुशी का दिन आज देखने को नानसीब होता, लेकिन आप सबकी वजह से बहुत ज़्यादा इस मामले को हिम्मत मिली, सपोर्ट मिली, और वो लोग जो फैसला साथ से उनके इरादे तब्दील हुए और उसके बाद करीब बच्ची आज अपने माँ बाप के पास आई। आप सब